Click on subscribe button and bell icon to never miss an update from CBR. Hey guys, welcome back to CBR. तो यार आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट के बारे में। सो बेसिकली जैसे हमारा सेमेस्टर एंड होता है तो हमें एट लास्ट एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है जिसमें कि हम या तो गेम डिजाइन कर सकते हैं या फिर कोई कुछ भी इंटरैक्टिव या फिर नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिकल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो बेसिकली ये जिसको कि मैंने अपने सेमेस्टर के एंड में क्रिएट किया था। सो गाइस चलिए देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। तो ये मेरे पास सर्वो सी एडिटर है, तो इसमें मैंने प्रोजेक्ट अपना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये पूरा कोड है प्रोजेक्ट का। सबसे पहले मैं आपको इसको कंपाइल करता हूँ फिर रन करके दिखाता हूँ कि क्या मैंने इसमें बनाया है। सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एम था मूविंग ऑब्जेक्ट इन रेन। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे रेन हो रही है पूरी, और जो ट्रक वगैरह है ये राइट हैंड साइड के अंदर जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकल रहा है। सो बेसिकली इसमें क्या चीज़ हमने बेसिकली हमारे पास इसमें क्या चीज़ हमने इसमें अप्लाई करी है। तो बेसिकली हमने इसमें एक वाइल लूप लगाया है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब मैं आपको इसके कोड के बारे में दिखाता हूँ। सो गाइज ये हमारे पास इसका कोड है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले कार वाला फंक्शन है तो बेसिकली इससे एक कार क्रिएट हो गई। इसमें हमने रेक्टेंगल सर्कल डिले वगैरह यूज़ किया है। डिले हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि थोड़ा जिस स्पीड से ये चल रहा है तो उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर डिले चेंज कर दिखाता हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिले किया मान लो 10 किया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी ये जो ट्रक की जो स्पीड है वो काफी तेज हो चुकी है और जो रेन भी है वो काफी तेज हो चुकी है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज द डिले। इसके बाद अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जैसे कि इस फंक्शन में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके साइज वगैरह को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आएगा हमारे पास इसका रेन का फंक्शन। सो बेसिकली ये एक रेन का फंक्शन बनाया हुआ हमने जो कि मतलब कि कैसे रेन आएगी उसको डिनोट कर रहा है। सो बेटर रहेगा कि आप इसको चेंज ना करें और ऐसा कैसा अपने प्रोग्राम में या फिर अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कर लें। और हमारे पास आएगा वॉइड मेन फंक्शन जिसमें कि हमने व्यू पोर्ट सेट किया है कि आपको कितनी मतलब स्क्रीन पे कितना साइज आपको दिखाना है पूरा। फिर हमारे पास बेसिकली ये ग्राफिक्स वाली जो स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली कि भाई इसके अंदर फाइल में आपको कहाँ पे डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी यूज़ करनी है। सो यू कैन चेंज दी BGA डायरेक्टरी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसके बाद हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया हुआ है और ये हमने यहाँ पे दो तीन फंक्शन में हमने पैरामीटर्स इंसर्ट करे हैं। और ये हमारे पास क्लियर डिवाइस वगैरह है और ये भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। सो एट लास्ट हमने यहाँ पे गेट सी एच लिख दिया। सो गाइज अगर आप इसका कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और उसको कर लीजिए। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि मैंने ये क्या क्या फंक्शंस यूज़ करे हैं और कैसे कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया था, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए तो मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो बेसिकली अगर आप छोटा मोटा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस ये कोड डाउनलोड करना है और डिले वगैरह चेंज कर सकते हैं आप या फिर ऑब्जेक्ट दूसरा बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। सो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो गाइज अगर आपके जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो कुछ एरर वगैरह आएंगी तो बेसिकली उसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कोड बिल्कुल करेक्ट है, आपको अगर एरर आए तो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल। बेसिकली एरर मेरे पास जब मैं इसको कर रहा था तो ये वाली एरर आ रही थी जैसे कि डायरेक्टरीज वगैरह होती है हमारे पास इसमें,
तो डायरेक्टरीज मेरे पास यहाँ पे जो थी वो कुछ लिंक नहीं हो रही थी या फिर गलत डायरेक्टरी। तो बेसिकली मेरे अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से या फिर अपने पीसी के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरीज को सही कर सकते हैं। तो आप भी अगर ये ट्राई करिए, बेसिकली ये बिल्कुल करेक्ट हमारे पास इसका रिजल्ट है, डायरेक्टरीज वगैरह करेक्ट है बिल्कुल। सो अगर आप ट्राई कर लीजिए कि हो सकता है आपके जो टर्बो सी है उस पर ये डायरेक्टरीज बिल्कुल वर्क कर जाएंगी। तो यू कैन जस्ट टाइप दी सेम एज इट इज़ यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। तो ये एरर मेरे पास बेसिकली आ रही थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था। तो अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। CVR. I wanna see the light.